सो हेलो एवरीवन, ज्वार अतिथि के ऊपर आपका अगेन से वेलकम है। पूर्वी सिंहभूम से संबंधित आज की यह पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें कि हम लोग पूर्वी सिंहभूम का इतिहास टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और जो भी कैंडिडेट पूर्वी सिंहभूम चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आपको पूर्वी सिंहभूम का कंप्लीट जीके का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग को पूर्वी सिंहभूम का कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा मात्र सिर्फ 11 रुपये में। और इसमें हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि यह स्पेशल पूर्वी सिंहभूम चौकीदार के लिए है। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इतिहास की बात करें पूर्वी सिंहभूम की, तो पौराणिक रूप से यह कहा जाता है, माना जाता है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में शेर पाए जाते थे। कौन से जंतु पाए जाते थे? शेर पाए जाते थे, जिस कारण से इस भौगोलिक क्षेत्र को सिंघम से नामित किया गया था। सिंघम से तात्पर्य है शेरों की भूमि, इस कारण से सिंहभूम का नामकरण पड़ा है। तो इस इलाके का नामकरण सिंहभूम किस कारण से पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे इतिहास के पौराणिक दृष्टि रूप से माना जाता है कि पहले बहुत ही बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में शेर पाए जाते थे, जिस कारण से इसे शेरों की भूमि अर्थात सिंहभूम नामकरण इसका दिया गया। प्रश्न पूछा जाता है सिंहभूम का नामकरण किस कारण से पड़ा, तो क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे शेर पाए जाते थे। शेरों की भूमि किस इलाके को कहा जाता है? सिंहभूम क्षेत्र को। आज़ादी से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र पुराने मानभूम और पुरानी ढालभूम का हिस्सा था। आज़ादी से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का जो पूरा क्षेत्र था किसके अधीन था? पुराने मानभूम और पुरानी ढालभूम के अधीन। पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन की बात करें तो इसका गठन 16 जनवरी 1990 ईस्वी को, दो डेट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दो किसी किसी बुक में 16 जनवरी तो किसी बुक में 16 नवंबर दिया हुआ है। यदि ऑप्शन में दोनों देखने को मिले तो पहला प्रीफ्रेंस हम लोग को डेट में बात करें 16 जनवरी 1990, दूसरा में प्रीफ्रेंस देना आप लोगों को 16 नवंबर 1990, यानी कि ऑप्शन में जो आपको पहले देखने को मिले, यदि ऑप्शन में ए नंबर पे यदि रहता है 16 जनवरी तो 16 जनवरी को ही मानना है। यदि ऑप्शन ए में आपका 16 नवंबर रहता है देन आप लोगों को 16 नवंबर ही सही आंसर करना है। डेट बात करें 16 जनवरी 1990 ईस्वी को हो गया। किससे अलग करके गठन किया गया था? पुरानी सिंहभूम से अलग करके गठन किया गया था। और पुराने सिंहभूम के कितने ब्लॉक को अलग करके किया गया था? 9 ब्लॉक। जिस समय पूर्वी सिंहभूम का गठन किया गया उस समय यहाँ पे प्रखंडों की कुल संख्या थी 9, अभी करेंट में बात करें प्रखंडों की संख्या है 11। और सिंहभूम क्षेत्र की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ फैक्ट पूछा जाता है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले किस क्षेत्र से हुआ और किस वर्ष हुआ। ये जो आप क्रॉस साइन देख पा रहे होंगे रेड कलर में, ये सभी इससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम में जीसीसी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, कछपाल, एसआई, इन सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो झारखंड में बात करें अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम क्षेत्र से हुआ और किस वर्ष? 1767 ईस्वी में। सिंहभूम क्षेत्र से 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में फर्गुसन नामक अंग्रेज अधिकारी को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। जिस समय झारखंड का पहला आगमन, बात करें झारखंड में अंग्रेजों का 1767 ईस्वी में हुआ, उस समय अंग्रेज अधिकारी सबसे पहले कौन आए थे? फर्गुसन। फर्गुसन को 1767 ईस्वी में सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। अंग्रेज का नाम भी पूछता है और ईस्वी भी। 22 मार्च 1767 ईस्वी को घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष कब्जा की गई, किस डेट को? 22 मार्च 1767 ईस्वी को। और सिंहभूम क्षेत्र में कुछ पुरातात्विक तत्व पाए जाते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें बारूडी, बारूडी नामक स्थान से पाषाण कालिक मृद्भांड के टुकड़े पाए गए हैं, पक्की मिट्टी के मटके पाए गए हैं, पत्थर के हथौड़ी पाए जा गए हैं।
ये कुछ पुरातत्व अवशेष जो कि बारूडी नामक स्थान से पाए गए हैं। बोनगर्रा स्थान से मृत भांडों के टुकड़े पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी पाए गए हैं। वेणु सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ किस क्षेत्र से पाई गई है? वेणु सागर से। बहरा गोड्डा गांव का नाम बात करें, गुहियापाल नामक स्थान से 10वीं ग्रामीण की मूर्तियाँ पाई गई है। 10-11वीं सदी की मूर्तियाँ किस क्षेत्र से पाई गई है? बारहागोड़ा प्रखंड गांव गुहियापाल से। ढाल विद्रोह जो कि सिंहभूम क्षेत्र से ही संबंधित है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि यह भी इम्पोर्टेंट महत्व रखता है पूर्वी सिंहभूम के इतिहास से। बात करें ढाल भूम की, तो यह विद्रोह 1767 से 1777 ईस्वी तक यानी कि 10 वर्षों तक यह विद्रोह चला था और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ ढाल। 1767 में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध किसके नेतृत्व में ढाल विद्रोह को किया गया था? 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। ढाल विद्रोह झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध का प्रथम विद्रोह था। अंग्रेजों का प्रथम विद्रोह झारखंड में कौन सा था? ढाल विद्रोह। जगन्नाथ ढाल को अपदस्त कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढाल भूम का राजा बनाया। जैसे कि जगन्नाथ ढाल ज़्यादा उन लोगों का विरोध करने लगा अंग्रेजों का, तो अंग्रेज व्यक्ति हैं जो कि उनको विद्रोह करने के लिए भेजा गया था कंपनी के द्वारा, तो लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैग्न ये दो व्यक्तियों के विरोध में जगन्नाथ ढाल को हरा दिया गया और उसके बाद ही नीमू ढाल को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ ढाल पहले वहाँ पर राजगद्दी पर था लेकिन कंपनी के द्वारा, जैसे जगन्नाथ ढाल ज़्यादा विद्रोह करने लगा अंग्रेज के विरुद्ध में, तो कंपनी के द्वारा दो अंग्रेजों को अधिकारी को भेजा गया दमन करने के लिए, जगन्नाथ ढाल को, लेफ्टिनेंट रूक को और चार्ल्स मैग्न को। उस बाद जगन्नाथ ढाल को हराने के बाद नीमू ढाल को वहाँ का राजा घोषित किया गया, लेकिन जगन्नाथ ढाल पुनः प्रयास करते रहे, विद्रोह करते रहे और इस कारण से पुनः अंग्रेजों के द्वारा 1777 ईस्वी में ही जगन्नाथ ढाल को वहाँ का राजा फिर से पुनः घोषित कर दिए गए और जगन्नाथ ढाल को वहाँ पे राजा बनाया गया। तो उसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई, अधिकतम 4,000 कर्त देने का स्वीकार किया गया जगन्नाथ ढाल के द्वारा। और वही 1777 में तो 4,000 रुपया था, वही 1780 तक आते आते यह बढ़कर के कितना हो गया? 4,267 रुपया हो गया। तो ये पूर्वी सिंहभूम से जुड़े हुए कुछ इतिहास थे। अब कल की क्लास में हम लोग इसका सामान्य परिचय और भूगोल टॉपिक को पढ़ने वाले पूर्वी सिंहभूम का।